Hello everybody, welcome to iExamBee. This is Amrita and in this video today we are going to discuss that what is going to be your last 2 weeks preparation strategy for SEBI Grade A Legal Officer Examination. SEBI Grade A Legal Officer Examination is going to be held on 20th of Feb. And from today, that is 6th of Feb, you just have 2 weeks in hand, 14 days in hand. तो हम लोग उसके बारे में ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको एक्चुअली इन 14 दिनों में 2 वीक्स में किन चीज़ों पे फोकस करना है और किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है. So watch this video till the end and also subscribe to our YouTube channel to get such kind of videos relating to not only SEBI but also other government exams preparation. We exclusively provide courses for RBI, NABARD, SEBI and so on for legal as well as other disciplines also. You can visit our website www.iexambee.com. Call on the number that is available over here and also you can write to us at hello@iexambee.com for any updates relating to government exams. Now starting with SEBI, Securities and Exchange Board of India, the SEBI Grade A Legal Officer Examination 2 weeks preparation strategy. ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस एंगल से कि एक्चुअली आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है. ये जो 2 वीक्स का टाइम स्पैन है ये बहुत ही आपके लिए क्रूशियल पीरियड है एंड इस पे आपका सक्सेस रेट डिपेंड करता है. कोई भी स्टूडेंट हो जिसने अच्छी प्रिपरेशन की हो या ना की हो, डीप स्टडीज की हो या ना की हो, लेकिन ये जो लास्ट 2 वीक्स का पीरियड है इस पे आपका सक्सेस रेट डिपेंड करता है. दिस पीरियड इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू, सो आपको इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और वो भी राइट डिरेक्शन में यूटिलाइज करना है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, सो सबसे पहला टिप जो मैं आपको यहाँ पे दूंगी इज दैट यू शुड टारगेट एक्सक्लूसिवली ऑन फेज 1 ऑफ दिस एग्जामिनेशन ओनली. देर आर सम टॉपिक्स विच आर एडेड इन फेज 2, उसको कम्प्लीटली इग्नोर करना है इन 2 वीक्स में. टारगेट हैज टू बी अचीव्ड बाय क्वालिफाइंग फेज 1. योर एम हैज टू बी ओनली टू क्वालिफाई. रिमेंबर ये की है, अगर आप फेज 1 क्वालिफाई होते हो तो ही आप फेज 2 के लिए जा सकते हो. तो फेज 2 के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना है. फेज 1 कैसे क्वालिफाई करना है, स्मार्टली कैसे क्वालिफाई करना है, उसकी स्ट्रेटजी डेवलप करो क्योंकि ये टाइम अभी आपको वापस नहीं मिलने वाला. अभी आपके पास एक्स्ट्रा चीजें करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है. ये रियलाइज कीजिए फेज 1 के लिए क्वालिफाई होने के लिए जो आपके स्ट्रेंथ एरियाज है, वीकनेस एरियाज हैं वो फाइंड आउट करो. कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से आते हैं और कौन से आपको नहीं आते हैं, इनको सॉर्ट आउट करो. डू द सॉर्टिंग एंड देन डिसाइड दैट हाउ यू हैव टू गो अबाउट. एंड द नेक्स्ट पार्ट रिविजन. दिस इज द टाइम दैट यू कैन यूटिलाइज एक्सक्लूसिवली फॉर रिविजन ओनली. Because whatever you have studied up till now, if you don't revise that, then that will not be beneficial for you that much. आपको चीज़ें याद रहेंगी लेकिन अगर आप revision नहीं करोगे अभी तो आपके examination को qualify करने के chances बहुत कम है. Revision is the most important key over here. So to start revision and what are the ways by which you have to carry out your revision, that we are going to discuss now. First, we'll discuss the do's and don'ts, what things you have to do first and then what things you don't have to do in these 2 weeks time span. Do's में focus only on the important points from each topic. जैसे कि कुछ हमारे पास list of topics है, अभी तक भी आपने जो भी preparation की है सारे subjects के लिए, एक example ले लेते हैं. अगर आपका subject है constitutional law का, उसका वेटेज भी अच्छा खासा है, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सब्जेक्ट उठाओगे तो उसमें से आपने अभी तक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क किए होंगे, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स मार्क किए होंगे, आपको अभी सिर्फ उन पे फोकस करना है. यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर स्टडीज लाइक दैट, दैट यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दीज एरियाज नाउ. कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. आई विल रिपीट दिस स्टेटमेंट, कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ all the important subjects from exam point of view first.
वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट, यू हैव टू स्टिक टू द सिलेबस. आपके पास सेबी ने वेटेज भी प्रोवाइड किया है, सिलेबस एज वेल एज वेटेज के हिसाब से जितना है. अगर सपोज आपको दिया है कि इस सब्जेक्ट में से सिर्फ पार्ट वन आएगा, फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रेशन के सब्जेक्ट में सिर्फ पार्ट वन है, तो सिर्फ पार्ट वन पे ही फोकस करना है आपको एंड रीड एज पर द वेटेज. सॉल्व मॉक टेस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. वीडियो के एंड में मैं इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करूंगी कि मॉक टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है. एंड आई एग्जाम बी इज ऑफ कोर्स गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल मॉक टेस्ट एट फ्री एट द रेट www.iexambi.com. नाउ वॉट आर द डोंट्स? डोंट रीड एक्स्ट्रा, डोंट फोकस ऑन डाउट सॉल्विंग एट दिस स्टेज दैट मच. अगर कोई छोटे मोटे डाउट्स है ठीक है, लेकिन कोई पार्ट्स होते हैं ऐसे जो बिल्कुल ही हमें समझ में नहीं आ रहे और उसको याद रखने के भी चांसेस बहुत कम है, तो उसे आप अभी छोड़ दो. अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम एक ही एरिया पे स्टक रहे, क्योंकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आता भी है तो आपको अभी सिर्फ क्वालिफाई होने पे फोकस करना है, आपको स्कोरिंग से ज़्यादा क्वालिफाई होना है. सो फॉर दैट फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू नो, उसके रिविजन पे ध्यान दो. डोंट पिक एनी न्यू टॉपिक्स नाउ, एज ऑफ नाउ फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट यू हैव ऑलरेडी डन एंड रिवाइज देम, सॉल्व मॉक टेस्ट ऑन देम. दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू क्वालिफाई फेज वन ऑफ दिस एग्जामिनेशन. फेज वन का सिलेबस एक बार ओवरलुक कर लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, एविडेंस, ये सब के जो वेटेजेस है इस हिसाब से आपको 2 वीक्स के टाइम स्पैन में आपका सिलेबस डिवाइड करना होगा. फर्स्ट वीक में 50%, सेकेंड वीक में 50%, ऐसे करके आपको आपका सिलेबस डिवाइड करना होगा. नाउ आई विल सजेस्ट यू हाउ यू हैव टू गो विद द टॉपिक्स एंड डिविजन, बट अगेन अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी योर कॉल दैट यू हैव टू डिसाइड विच सब्जेक्ट यू हैव टू टेक अप इन द फर्स्ट वीक एंड विच इन द सेकेंड वीक. लेकिन थोड़ा इक्विवेलेंट डिविजन करने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, ये सब के वेटेजेस बहुत अच्छे से इसको एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको हेल्प करेंगे. आपको 30% फेज वन में, तो पेपर वन में 30% लाना है, पेपर टू में 40% लाना है, एग्रीगेट 40% लाना है. सो उस एंगल से आपका जो पेपर टू का सिलेबस है वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा क्वालिफाई करने में, वो आपको एनालाइज करना होगा एंड उस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिवाइड करने होंगे. सेबी की ये बहुत अच्छी बात है कि सारे वेटेजेस डिवाइड करके आपको दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो. जैसे टॉर्च एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का वेटेज सिर्फ अगर 5% है, तो आपको उस हिसाब से उसको उतना ही टाइम डिवाइड करना है. योर टाइम शुड बी इक्विवेलेंट टू द वेटेजेस. रिमेंबर, योर टाइम शुड बी इक्विवेलेंट टू द वेटेजेस एट दिस पर्टिकुलर पीरियड. नाउ इन द फर्स्ट वीक आई सजेस्ट दैट यू शुड टेक अप दीज सब्जेक्ट्स. यू शुड टेक अप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग IPC एंड CRPC, CPC एंड एविडेंस. ये सब आप साथ में आराम से कवर अप कर सकते हो बिकॉज ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड. अगर आप CPC और CRPC ले रहे हो, द प्रोसीजर इज गोइंग टू डिफर ओनली इन सिविल एंड क्रिमिनल, बट यू कैन, इफ यू स्टडी इट टुगेदर, दैट यू कैन रिवाइज क्विकली. एविडेंस इज ऑल्सो नॉट दैट मच बिग, इट इज़ हैविंग लेस सेक्शंस, यू कैन कवर इट. मैंने ये जो सेट बना के आपको दिया है फर्स्ट वीक के लिए, वो इसी तरीके से बनाया कि ये रिविजन साथ में इन सारे सब्जेक्ट्स का हो सकता है, और ऊपर से जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा वो सब आपको पहले लेना है. सेकेंड वीक में आप जो लोगे, एज पर माई सजेशन विल बी, यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट विथ सिक्योरिटीज लॉ. सिक्योरिटीज लॉ इज द कोर पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, नो डाउट यू हैव टू स्टार्ट विद इट. एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल दीज सब्जेक्ट्स दैट हैव बीन टेकन, लाइक फॉर आर्बिट्रेशन यू जस्ट हैव पार्ट वन, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑल्सो यू आर हैविंग मेनली 3 चैप्टर्स. सो लाइक दिस, ये सब वेटेजेस जो है ये सब्जेक्ट्स के कम है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स. तो ये आप सिक्योरिटीज लॉ के साथ आराम से रिवाइज कर सकते हो सेकेंड वीक में. सो इस तरीके से आपका 50-50% का सिलेबस का डिविजन होना चाहिए. बट वन मोर थिंग दैट यू हैव टू डू अलॉन्ग विद दिस इज सॉल्विंग मॉक टेस्ट एवरी डे. यू हैव टू सॉल्व मॉक टेस्ट एवरी डे. एंड वाई इज दिस सो मच इम्पॉर्टेंट? मॉक टेस्ट सॉल्विंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिविजन. रिमेंबर, इट इज अ वे टू रिवाइज थिंग्स. एक तो आपको सॉल्यूशंस में सारी चीज़ें दिख जाती है, और अगर आप कोई पार्ट भूल जाते हो तो वो आपका रिवाइज भी हो जाता है. एंड दूसरी बात, आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आता है, टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है. लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ सॉल्विंग मॉक टेस्ट्स, एज यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट यू हैव टू एक्सपेक्ट ऑन द एग्जाम डे.
20 तारीख को आपको क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सब आपको एक आइडिया तो आएगा कि किस तरीके से क्या पैटर्न होगा पेपर का. सेकेंड विल बी एनालाइज योर परफॉर्मेंस. आप जब मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, सपोज अगर आप आज एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे ये सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है. उस हिसाब से आप आपकी स्ट्रैटेजी वेरी कर सकते हो. देन यू कैन फोकस ऑन ट्रायल एंड एरर, जो आप फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं कर सकते. इफ यू फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटिंग इन द एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू कीप ऑन गिविंग वेरियस अटेम्प्ट्स एंड अटेम्प्ट्स. बट वी डोंट हैव टू डू दैट. वी हैव टू सॉल्व मॉक टेस्ट इन एडवांस ओनली, सो दैट वी परफॉर्म वेल डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाई फेज वन. टाइम मैनेजमेंट, दिस आई वुड से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्वालिफाई होना है तो आपकी स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू क्रैक द एग्जामिनेशन एंड बी क्वालिफाइड फॉर फेज टू. सो वो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से ही आ सकता है. जितनी भी आपकी प्रिपरेशन हुई होगी, सॉल्व द मॉक टेस्ट एंड लास्टली इट इज़ गोइंग टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस अलॉट. ट्रस्ट मी, फोकस ऑन मॉक टेस्ट सॉल्विंग. एग्जाम बी इज प्रोवाइडिंग यू मॉक टेस्ट फॉर फ्री. विजिट आवर वेबसाइट, गो विद द मॉक टेस्ट एंड फेज योर प्रिपरेशन एंड रिविजन अकॉर्डिंग टू दैट. Also, we are having SEBI Grade A legal stream online course with all the important features like tests, practice questions, video lessons, notes, everything, guidance even for the interview level. We have an expert faculty for legal to help you and guide you on each and every subject exclusively at iExamB. Also, today we are going to have an interaction with ex-ED. SEBI himself is going to interact with you at 7 PM. So do join this free live session at YouTube for SEBI Grade A Legal Officer Examinations. And at the end, don't forget to subscribe to our YouTube channel for staying updated with such kind of videos and updates relating to government exams preparation as we make it easy over here. Thank you very much.